नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के दिग्गज पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने 23 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है। इसके बाद से उन्हें ढेर सारी नई पारी के लिए शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। लगातार हरभजन सिंह को लेकर लोग कमेंट और ट्वीट्स कर रहे हैं और उन्हें इतने शानदार योगदान के लिए बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने अपने 23 साल के क्रिकेट में भारत को कई अप्रत्याशित जीत दिलाई है। पहली हैट्रिक टेस्ट में लेने से लेकर हरभजन सिंह ने 417 टेस्ट विकेट तक का सफर शानदार तरीके से पूरा किया। ऐसे में हरभजन सिंह ने सौरव गांगुली की कप्तानी में जब भारत के लिए डेब्यू किया था तो उन पर उनके कप्तान उस वक्त के सौरव गांगुली ने खूब भरोसा दिखाया था और हरभजन सिंह को उन्होंने एक मैच विनर प्लेयर बनाया था। आपको बता दें कि सौरव गांगुली की कप्तानी में ही हरभजन सिंह ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया और एक से बढ़कर एक जीत दिलाए। इसके बाद वो राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में खेलते नजर आए, लेकिन जो प्रभाव सौरव गांगुली ने उन पर की कप्तानी में उन्होंने छोड़ा था वो शायद ही और कप्तानों की कप्तानी में उन्होंने उस तरीके का प्रभाव नहीं छोड़ा। सौरव गांगुली का भी साथ उन्हें खूब मिला था और हरभजन सिंह को सौरव गांगुली अपना सबसे बड़ा मैच विनर प्लेयर मानते थे। अब ऐसे में जब हरभजन सिंह ने अपने 23 साल के करियर को विराम दिया है तो सौरव गांगुली, जो कि मौजूदा वक्त में BCCI के चीफ हैं, उन्होंने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि जो कुछ भी हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट के लिए किया है वो अप्रत्याशित है। उनके जाने से मैं थोड़ा भावुक हूँ और उनका क्रिकेट में योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हरभजन सिंह को लेकर बयान देते हुए कहा कि मैं हरभजन सिंह को शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन भज्जी हार मानने वाले में नहीं थे। उन्होंने कई बाधाओं को पार करके और कई झटकों को पीछे छोड़कर हर बार उठ खड़े हुए। उनकी ताकत, उनकी हिम्मत थी। वह हमेशा ही जुनूनी रहते थे और उनके अपार आत्मविश्वास का मतलब था कि वो कभी भी चुनौतियों से कतराते नहीं थे। मुझे उनके बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने प्रेरित किया वो उनके प्रदर्शन करने की भूख थी। तो आपने सौरव गांगुली का ये बयान सुना और सौरव गांगुली का ये बयान बताता है कि किस कदर वो हरभजन सिंह को अपनी टीम का अहम हिस्सा मानते थे और उन पर भरोसा करते थे। सौरव गांगुली ने कहा कि उनका प्रदर्शन करने की भूख ही उन्हें सबसे शानदार प्लेयर बनाती थी और उनमें जो आत्मविश्वास था उसी की वजह से वो बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 417 विकेट लिए। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में उनके नाम 269 विकेट हैं। साथ ही T20 क्रिकेट में उन्होंने 28 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2 शतक भी जड़े हैं और अपने बल्ले का भी उन्होंने दम दिखाया है। साथ ही हरभजन सिंह ने कई मौकों पर भारत के लिए ऐसी जीत लाकर दी है जो कि शायद ही लग रहा था कि यहां पर भारत नहीं जीत पाएगा। वो चाहे फिर अफ्रीका के खिलाफ वो शानदार ईडन गार्डन्स मैदान पर टेस्ट मैच जिताना हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेकर बेहतरीन मैच भारत की, या फिर शुएब अख्तर जैसे गेंदबाज को लंबे लंबे सिक्स जड़कर भारत के लिए एक शानदार मैच जिताना हो, हरभजन सिंह हर बार भारत के लिए खड़े उतरे और उन्होंने अपने करियर में भारत को बहुत बड़ी जीत दिलाई है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह भारत के लिए 2 विश्व कप भी जीत चुके हैं, जिसमें 2007 का T20 विश्व कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। साथ ही हरभजन सिंह ने कई सीरीज में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया। अब उन्हें दूसरी पारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।